The first one we are going to study is Pulsus Parvus et Tardus. Pulsus Parvus et Tardus. What is this? The carotid arterial pulse rises slowly to a delayed peak. पल्स पार्वस एट को हम एनाक्रोटिक पल्स बोलते हैं इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है कि आपके पल्स का स्लो राइज हो रहा है वो पल्स स्लोली राइज करिए और स्लोली फॉल करिए और जो पीक है जैसे होता है ना कि एक पीक इस टाइम पे नीचे, पीक इसकी डिलेड हो जाएगी सो दिस इज़ ऑल अबाउट पल्स पारवर्स एट विच इज़ ऑल्सो नोन एज एनाक्रॉटिक पल्स इट इंक्लूड स्लो राइज स्लो फॉल एंड डिलेड पीक दैट्स ऑल अब अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बात है डिक्रीज करेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल फॉल एंड पल्स प्रेशर देयरफॉर पल्स प्रेशर विल आल्सो फॉल दिस इज़ नॉट हैपनिंग अर्लियर इन द कोर्स ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस इट व्हेन स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीजेस द सिस्टोलिक प्रेशर फॉल्स एंड द पल्स प्रेशर बिकम्स नैरो so it will happen in the advanced stage of the disease it will not occur very early also i have told you the symptoms will not occur in the early stage of in the early course of the disease it will always happen in the late stages let's study the next physical finding that is anacrotic shudder so this anacrotic shudder or thrill may be palpable over the carotid arteries more commonly the left the third one is a double epical impulse which is recognized in the left lateral recumbent position also in the previous point i have told you about the anacrotic shudder or thrill so what are thrills thrills are the palpable vibrations which are best felt with the palms of the hand okay so these are vibrations which are palpable next we were studying about double epical impulse so double epical impulses felt in both fifth and sixth intercostal space इसीलिए इसका नाम दिया गया है डबल एपिकल इम्पल्स वैसे तो हमें फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिलती है लेकिन यहाँ पे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और सिक्सथ इंटरकास्टल स्पेस दोनों में मिल रही है सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ डबल एपिकल इम्पल्स हमें मिलेगी इसके अलावा ना आपको हीविंग एपेक स्पीड भी मिलती है सबसे पहले एपेक् स्पीड क्या होता है एक लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पॉइंट जहाँ पे आपको कार्डिक इम्पल्स मैक्सिमम फील होती है और ये आपको फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे मिलती है इन द मिड क्लैविकुलर लाइन ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हीविंग एपिक स्पीड मतलब इम्पल्स विल हिट योर फिंगर एंड लिफ्ट इट नेक्स्ट इज सिस्टोलिक थ्रिल विच मे बी प्रेजेंटेड एट द बेस ऑफ द हार्ट टू द राइट ऑफ द स्टर्नम और ये तब फील होगा वन यू आर लीनिंग फॉरवर्ड ये आपको सुपर स्टर्नल लॉन्च पे भी फील हो सकता है अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमें ऑस्कल्टेशन पे क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं सबसे पहले चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी चिल्ड्रन हैं यंग एडल्ट्स हैं जिनको कंजनाइटल बाइक स्पिड एटिक वॉल्व डिजीज है उनमें हमें मिलता है अर्ली सिस्टोलिक इजेक्शन साउंड और ये हमें जो ये साउंड है अर्ली सिस्टोलिक इजेक्शन साउंड ये आपको तब नहीं मिलती जब आ, आपकी वॉल्व जो होती है वो कैल्सिफाइड और रिजिड हो जाती है तब ये साउंड हो जाती है तो ये उस टाइम पे नहीं मिलती है अब हम पढ़ेंगे इसमें हमें सेकेंड हार्ट साउंड कैसे मिलती है सेकेंड मैंने इसलिए लिखा है सेकेंड हार्ट साउंड डिनोट करने के लिए और एयर टू मतलब आपका एयटिक वॉल्व क्लोजर बी टू मतलब पल्मोनरी वॉल्व क्लोज अब देखेंगे कि ए टू पहले मतलब ए ऑर्टिक वॉल्व पहले क्लोज होता है उसके बाद पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होता है ठीक है लेकिन जब हमारा ये डिजीज होगी ऑर्टिक स्टेनोसिस तो आपको पता है कि वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है तो ए एटिक वॉल्व जो होती है वो लेट क्लोज होगी देन पल्मोनरी वॉल्व तो इसलिए आपको पहले मिलेगी नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड फिर एक टाइम ऐसे भी आता है जब ये ए टू और पी टू दोनों बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड मतलब वो दोनों साथ में ही क्लोज़ होते हैं फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जब आपकी ए टू पी टू के बाद क्लोज़ होती है और उसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड तो हमें पता है कि जो हमारी सेकेंड हार्ट साउंड होती है वो एक हाई पिच साउंड होती है जो हमें डायफ्राम पे सुनाई देती है जबकि एस थ्री और एस फोर जो होती है वो लो पिच साउंड होती है जो हमें बेल ऑफ द स्टेटो पे अच्छे से सुनाई देती है अब हम ये देखते हैं कि जो ए टू और पी टू है इनके बीच में जो टाइम लैग होता है वो थर्टी मिली सेकेंड्स का होता है इसीलिए हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड अभी हमें स्प्लिटिंग सबसे बेस्ट कहाँ पे सुनाई देती है दैट इज़ अर्ब्स पॉइंट पे और ये अर्ब्स पॉइंट कहाँ पे होता है लेफ्ट साइड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन पैरास्टर्नल लाइन तो ये स्प्लिटिंग जो स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड है ये बेस्ट हर्ड होता है इन द फेज ऑफ इंस्पिरेशन और इसको फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग भी बोलते हैं लेकिन अगर ये थर्टी मिलीसेकंड सेकेंड से कम होता है तो हम इसको बोलते हैं नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड और अगर ये थर्टी मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड ये नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है वो हमें एयोटिक स्टेनोसिस और इसके अलावा पेटेंट डप्टस आर्टेसिस में मिलता है हमें ठीक है तो अभी क्या होता है स्टेनोसिस हो गई तो ब्लड विल टेक एक्स्ट्रा टाइम टू एग्जिट तो इसीलिए हमें ए टू जो होता है वो थोड़ा लेट मिलता है होगा तो हमें नारो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड मिलेगी फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों साथ में ही क्लोज हो फिर तब हम बोलेंगे सिंगल स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड और उसके बाद क्या होगा एयोटिक वॉल जो होगी वो पलमोनिक वॉल्स से बाद में क्लोज होगी और इसको बोलते हैं रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज़ पैराडॉक्सिकल स्प्लिट एंड इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम सिवियरिटी ऑफ वॉलर स्टिनोसिस फिर बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें वाइट स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड मिलते हैं जैसे कि आपका हो गया एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो भी कंजुनाइटल हार्ट डिजीज़ में जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया आपका वो हो गया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया इसके अलावा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी वाइट स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड मिलती है लेकिन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हमें नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड मिलती है इसके अलावा वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम डब्ल्यू पी डब्ल्यू टाइप ए में हमें वाइट स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड मिलती है लेकिन टाइप बी वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में हमें नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड मिलती है तो जब भी आप कोई डिजीज़ को, को पढ़ोगे तो उस टाइम लॉजिकली सोचो कि क्यों ये लेट हो रहा है क्यों ये वॉल्फ लेट क्लोज़ हो रही है क्यों ये जल्दी कॉज हो रही है और इसकी वजह से हमारी साउंड पे कैसे इफ़ेक्ट आ रहा है क्या टाइम लाइक -like? में चेंजेस आ रहे हैं तब आप इजीली लर्न कर पाओगे कि हाँ इस पर नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड है या व्हाइट स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड है यू डोंट नीड टू मग अप द थिंग्स लाइक कि इस डिजीज़ में वाइट स्प्लिट है ऐसे नहीं रटना है जस्ट सी के क्या पैथोफिजियोलॉजी तो है तो हमें यहाँ पे साफ साफ देख रहा है कि ऑटिक्स स्टेनोसिस है तो लेट होगा ब्लड एग्जिट होने में टाइम लगेगा इसीलिए अब हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो है तो इसकी वजह से हमें कौन सी साउंड मिलेगी S4 heart sound. Why? Because your atria will generate more power and it creates the turbulence which will produce S4 sound. Also, you can heard S3 in the late cases. Now let's study about the murmur. Which murmur will be found in aortic stenosis? That is ejection systolic murmur. So let's study about ejection systolic murmur a little in detail. So this ejection systolic murmur it commences shortly after S1 heart sound okay shortly after first heart sound and it increases in intensity to reach a peak toward the middle of ejection this sound is low pitched it is characteristically low pitched rough rasping in character and this is loudest at the base of the heart और ये हमें कहाँ मिलेगा मोस्ट कॉमनली इन द सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस इट इज़ ट्रांसमिटेड अपवर्ड अलोंग द करोटेड आर्टरीज ठीक है ओकेजनली ऐसा हुआ कि आपको डाउनवर्ड टूवर्ड्स द एपिक्स मिले बट मोस्टली इट इज़ ट्रांसमिटेड अपवर्ड अलोंग द करोटेड आर्टरीज और इसीलिए लिए हमें आपको क्या मिलता है करोटेड थ्रिल This murmur of aortic stenosis radiates to carotid artery which is known as carotid thrill and this ejection systolic murmur is hum crescendo decrescendo murmur. Bhi hain. Remember in patients with mild degrees of obstruction and or in those cases where there is severe stenosis with heart failure and low cardiac output, this murmur hota, it is relatively soft and brief but if it is seen in the cases where there is severe obstruction and preserved cardiac output murmur is at least grade 3 and or 6 so let's revise once again this commences very shortly after first heart sound increases in intensity it is low pitched rough rasping in character loudest at the base of the heart most commonly in the second right intercostal space and it is transmitted upward along the carotid arteries also known as carotid thrill and this murmur ejection systolic murmur is also known as crescendo-decrescendo -crescendo murmur okay and chinko mild degree of obstruction hoga, there the murmur will be soft and brief and when we'll compare it with the patients who have severe obstruction murmur will be at least grade 3 or grade 6 so we have studied in detail about the physical findings of the aortic stenosis which is very very important because you characteristic points so mcq per se it is important now haste makes waste and let's study about the लेबोरेट्री फाइंडिंग्स so what आर द investigations यू आर गोइंग टू गिव इन दीज केसेस फर्स्ट वन पेशेंट्स ऑफ सीवियर एयोटिक्स टनोसिस यू विल फाइंड लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपर ट्रॉफी लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपर आपको इनिशियल स्टेजेस पे नहीं मिलेगी मैंने आपको उस टाइम जब पैथो फिजियोलॉजी पढ़ाई बताया था कि लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपर तब मिलती है जब धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है फॉर मेनी इयर्स तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉम्पनसेटेड बाय hypertrophy of its muscle now so in advanced cases you will find st segment depression st segment depression and t wave inversion you will find this in leads 1 and avl and in the left precordial leads this is more prevalent आपको पता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर है तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपर मतलब आपको डीप एस वेव्स कहाँ मिलेंगी वी में या वी में और आपको टॉल आर वेव्स कहाँ मिलेगी वी फाइव या फिर वी सिक्स में तो यहाँ पे आपको डीप एस वेव्स मिलेगी वी वन या वी टू में और टॉल आर वेव्स मिलेंगी वी फाइव और वी सिक्स में जब इन दोनों को ऐड करोगे आप कितना मतलब इंक्रीज हुआ है और कितना डीप है और कितना टॉल है इट शुड बी मोर देन थर्टी फाइव मिलीमीटर एंड इट ऑलवेज इंडिकेट्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और ये तो आपको लेट केसेस में मिलेगी सीवियर एटिक्स स्टेनोसिस केसेस में आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी और जब भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलती है तो एस इन द वी वन और वी टू प्लस आर इन वी फाइव और वी सिक्स शुड बी मोर देन थर्टी फाइव मिलीमीटर एंड एट इंडिकेट्स योर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉफी इसको कहीं लिख लेना दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉफी में आपको क्या मिलेगा तो ये आपको मिलेगा लेट स्टेज़ में एडवांस केसेज में आपको एस टी सेगमेंट डिप्रेशन भी मिल सकता है अलॉन्ग विद टी वेव इनवर्जन ठीक है टी वेव इन्वर्जन कैन बी फाउंड इन वी फाइव और वी सिक्स ऑल्सो ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो देर इज़ नो क्लोज को रिलेशन बिटवीन ई सी जी एंड हीमोडाइनमिक सिवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अगर ई सी जी में आपको लेफ्ट पेंटिकुलर हाइपोट्रॉफी के साइंस नहीं मिल रहे इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऑबस्ट्रक्शन नहीं है ऐसा दे रखा था एरिसन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ईको कार्डियोग्राफी ईको कार्डियोग्राफ में हमें क्या मिलेगा द की फाइंडिंग्स ऑन ट्रांसथोरासिक ईको कार्डियोग्राफी आर थिकनिंग कैल्सिफिकेशन रिड्यूस स्टॉलिक ओपनिंग ऑफ द वॉल्व लिफ्लेट्स और आपको इसके साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर भी मिलेगी और ट्रांस इको कार्डियोग्राम में आपको इसेंट्रिक क्लोजर ऑफ एओटिक वॉल्व कास्प अगर मिल रहा है देन दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजनाइटल बाइकस्पिड वॉल्वस टी इमेजिंग कैन डिस्प्ले द ऑब्सट्रक्टेड औरट्रीमली वेल लेकिन ये क्या होता है रूटीनली हमें चाहिए नहीं होता फॉर एक्यूरेट कैरक्टराइजेशन ऑफ एयर्स ऑल्सो रिमेंबर ईको कार्डियोग्राफी इज वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग को एग्जिस्टिंग वॉल्वलर एबनॉर्मैलिटीज भैया अगर किसी बंद को पहले रोमांटिक हार्ट डिजीज का और अब उसको एआरटिक स्टेनोसिस के अलावा माइट्रल स्टेनोसिस और एटिक रिगर्जिटेशन भी है तो हम इकोकार्डियोग्राफी से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोएग्जिस्टिंग वॉल्वुलर वॉलर एबनॉर्मैलिटीज़ और हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं वॉल्वुलर एआरटिक स्टेनोसिस को फ्रॉम अदर लेफ्ट वेंटिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो तीन पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे कि इसके अलावा एआरटिक्स स्टेनोसिस के अलावा कौन सी ऐसी थ्री लेजें हैं जिससे लेफ्ट वेंटिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है अब एक और चीज़ याद रखो कि अगर माइल्ड सरफेस एरिया जो है वो 1.5 पॉइंट फाइव टू टू सेंटीमीटर स्क्वायर है देन इट इज़ माइल्ड एओटिक्स स्टेनोसिस। अगर वॉल्व एरिया जो है वन टू वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर है देन इट इज मॉडरेट ए स्टेनोसिस। लेकिन अगर वॉल्व एरिया लेस देन वन सेंटीमीटर स्क्वायर है देन दैट इज डिफाइंड एज सीवियर ए स्टेनोसिस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेस्ट एक्सरे के बारे में चेस्ट एक्सरे यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे तो देखो अगर लेफ्ट वेंटिकुला हाइपरट्रॉफी मिल रही है तो इसका मतलब आपको चेस्ट एक्सरे में कार्डियो में गैली मिलेगी यानी कि आपका जो कार्डियोथोरासिक रेशियो है वो इंक्रीज आपको मिलेगा लेकिन चेस्ट एक्सरे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ओवरऑल कार्डिक इन्लार्जमेंट कई सालों तक आपको दिखने से रहा इन द चेस्ट एक्सरे और कैथेटराइजेशन की बात करते हैं तो राइट और लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन यानी इनवेसिव असेसमेंट करना स्टेनोसिस का ये बहुत ही इनफ्रिकुनटली होता है दिस इज़ नॉट डन फ्रिक्वेंटली लेकिन ये है कि कई बार ये अच्छा भी प्रूव हो जाता है यूजफुल प्रूव हो जाता है बट ये यूजुअली नहीं किया जाता और हम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है आपका सीटी ऑफ चेस्ट जो हम वेलवलक कैल्सिफिकेशन के लिए करवाते हैं और कोरोनरी एंजियोग्राफी हम उन केसेस में करवाते हैं ज़्यादातर केसेस में वैसे हमें करवानी चाहिए जो भी लोग पेशेंट्स आपके ओल्ड एज में आते हैं आपके पास प्रेजेंट करते हैं और आपको पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ वेरी कॉमन तो उसमें आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करवानी चाहिए कोरोनरी एंजियोग्राफी हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज को स्क्रीन करने के लिए करते हैं वो भी उन केसेस में जो पेशेंट सीवियर स्टेनोसिस से सफ़र कर रहे हैं जिनको सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा है तो तब हम करते हैं कैथेटराइजेशन की बात करें तो जिनको मल्टी वॉल्वुलर डिजीज होती है ना उनके लिए कैथेटराइजेशन बेस्ट है या फिर यंग एसिम्टोमेटिक पेशेंट है अब हम बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री कैसे डेथ होगी देखो सडन डेथ की बात करते हैं तो सडन डेथ तो सिर्फ वन परसेंट पर ईयर लेस देन वन परसेंट पर ईयर देखा जाता है वो भी एसिम्टोमेटिक एडल्ट पेशेंट में सडन डेथ बहुत कम ही मिलता है और डेथ जो होती है पेशेंट की विथ सीवियर स्टेनोसिस वो ज़्यादातर सेवेंथ और एटथ डिकेड में जाके होती है अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले जो डेटा कलेक्ट किया ये देखो सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद नहीं हम डेटा कलेक्ट करें क्योंकि ये नेचुरल हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे तो लोग जो डेटा कलेक्ट किया आफ्टर सर्जिकल सॉरी बिफ़ोर सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्या है एवरेज टाइम ऑफ डेथ आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वेरियस सिम्टम्स तो उन्होंने देखा कि अगर एंजाइना पैक्टोरिस किसी में सिम्टम आ जाता है तो तीन साल के अंदर डेथ हो जाती है सिंकोप आ जाता है तो तीन साल के अंदर डेथ हो जाती है डिज्निया किसी को हो रहा है तो फिर विद इन टू ईयर्स उसकी डेथ हो जाती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियोर हो जाता है तो वन एंड अ हाफ टू टू ईयर्स के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है मोरओवर जो एट्टी परसेंट पेशेंट्स हैं हु डाइड विद एआटिक स्टेनोसिस सिम्टम्स उनमें एग्जिस्ट करे थे फॉर लेस देन फोर ईयर्स सो यू कैन सी दैट अगर एंजाइना या सिंको पर है तो विद इन थ्री ईयर्स डिजनिया तो टू ईयर्स एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो वन पॉइंट फाइव टू टू ईयर्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में अगर हम देखते हैं तो फिर पेशेंट जिनको सीवियर एआटिक स्टिनोसिस है सीवियर एटिक्स चेनासिस क्या होता है जब आपका जो वॉल्व एरिया होता है वो लेस देन वन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो उनको या तो सिम्टम्स हों या फिर वो एसिमटोमेटिक हो अगर सिम्टम्स होंगे तो तो हम तो ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे बट अगर वो ए सिम्टोमेटिक भी होंगे तो भी आपको कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें नहीं बोलना है इन केसेस में जिसमें सीवियर एटिक्स स्टेनोसिस होते हैं वहाँ पर हम ट्रेडमिल टेस्ट भी नहीं करवाते हैं ठीक है तो इनको कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करानी और डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है पूरी तरीके से ताकि कार्डिक आउटपुट जो है वो रिड्यूस ना हो ठीक है और ऑपरेशन हमें उन केसेस में करवाना है सर्जरी उन केसेस में करानी है जो कि सिम्टोमेटिक केसेस हैं तो नो स्ट्रेनस एक्टिविटी और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इवन इन द एसिम्टोमेटिक स्टेजेस ऑफ द सीवियर एयटिक स्टेनोसिस एंड care must be taken to avoid the dehydration and hypovolemia to protect against a significant reduction in cardiac output and surgery is done in the symptomatic cases तो ये था हमारा पूरा एओटेक्स टेनोसिस और अब हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एओटेक्स टेनोसिस सबसे पहले बात हम माइल्ड मॉडरेट और सीवियर एओटेक्स टेनोसिस कब बोलेंगे माइल्ड मतलब होता है वन पॉइंट फाइव तो टू तो टू सेंटीमीटर स्क्वायर जब आपका वॉल्व एरिया हो वॉल्व सर्फिस एरिया जब वन पॉइंट फाइव से लेकर और वन सेंटीमीटर स्क्वायर तक आपका वॉल सर्फिस एरिया होगा तो हम उसको बोलेंगे मॉडरेट एआटिक्स स्टेनोसिस और जब लेस देन वन सेंटीमीटर स्क्वायर सर्फिस एरिया हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं सीवियर एआटिक्स स्टेनोसिस इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी तीन एटियोलॉजि जो आ, सबसे मेन है इन द ए स्टेनोसिस दैट इज़ बाइ कस्पिट वॉल्व इन द Uh, which is found congenitally. Second is your degenerative calcification found in the adult cases. And third important is previous rheumatic inflammation. Also, the three cardinal symptoms of aortic stenosis are dyspnea, angina pectoris, and syncope. The important physical findings which we, you will see in the case of aortic stenosis is the first one is pulsus parvus ectardus decreased blood pressure decreased pulse pressure anacrotic shudder or carotid thrill a double apical impulse heaving apex speed, systolic thrill and on auscultation you will see an early systolic ejection sound also there will be narrow split second heart sound single split second heart sound and later paradoxical split second heart sound you will also hear Second, uh, fourth heart sound and third heart sound. Ejection systolic murmur is also known as crescendo decrescendo murmur, and that murmur will radiate to carotid arteries, which is known as carotid thrill. On ECG, you will see left ventricular hypertrophy with deep waves in V1 and V2, deep S waves, and tall R waves in V5 or V6. Adding these two, one. It will be more than 35 millimeter, which will indicate left ventricular hypertrophy. Echocardiography is the best test. Also, CT of the chest is investigation of choice in these cases. Now remember if aortic wall replacement is not done in these cases, the orifice will become narrower and narrower, and at one point, aortic and pulmonic wall will close at same time. So aortic wall replacement is must in those cases where the symptoms are manifesting. Okay. So this was all about aortic stenosis. You can differentiate this case of aortic stenosis with aortic regurgitation, with mitral stenosis, mitral regurgitation, pulmonary stenosis. The physical findings of this disease is very very important they can be asked in mcq per se because they are very characteristic and you can differentiate which a, like you, in which cases you are finding widespread second heart sound uh narrow spread second heart sound where are you finding soft first first heart sound or where you can find loud first heart sound also note down the murmur because many cases have different murmurs some of them have similar murmurs so you can write down which murmur are you finding in which case so i hope i have covered the whole content and in next video i will like to cover the other valvular diseases enough for today if any topic you are finding it difficult to read you can uh, write in the comment section i will surely cover it in my next video thank you for watching my video okay bye bye